वेलकम टू हम सीखे चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कैनन जूटा 2000 में इंक कैसे डालते हैं, उसके बारे में इंको कैसे फिल करते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। हे दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है पद्री और आप देख रहे हैं हम सीखे चैनल को। चल वीडियो को सुन कर दोस्तों सबसे पहले हमको अपने प्रिंटर के लिए ओरिजिनल कलर डालें, क्योंकि दोस्तों ओरिजिनल कलर से आपके प्रिंट की लाइफ भी बढ़ेगी और प्रिंट मतलब प्रिंट में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अगर आप लोकल कलर डालते हैं अपने पैसे बचाने के चक्कर में, ये गलती ना करें क्योंकि इससे आपका प्रिंटर खराब हो सकता है। और तो दोस्तों ये रहा अपना प्रिंटर और ये पूरा चारों कलर इसमें साइड में रख देता हूँ। और इसको दोस्तों आपको बंद कर देना है प्रिंटर को। सबसे पहले आप अपने प्रिंटर को यहाँ पर बंद कर दीजिए, बंद होगा तो दोस्तों इसको ऐसे ओपन करना है, क्योंकि मेरे में तो पहले से कलर भराया हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसमें इंक भरना है। तो दोस्तों ये देखिए ये बी वाला है, बी के ये ब्लैक कलर है, ये वाला ये देखिए बी के। तो इसको दोस्तों ऐसे ओपन करना है और इसको ऐसे यहाँ पर निकालना है। ये पैकिंग रहते हैं, इसको मैं खोल चुका हूँ। तो इसको इस तरह से आप इसको ऐसे खोलने के बाद ढक्कन खोल के इसको यहाँ रख के यहाँ इसे लगा दीजिए यहाँ पर। और दोस्तों इसको ऐसे डालना है आपको, ऐसे इस तरह करके तो आपका इंक डला जाएगा। जब तक फुल ना हो जाए तब तक इसको डालें, इसको ऐसे खुला रहने दें, फिर इसको आप यहाँ से ऐसे बंद कर दीजिए। फिर दोस्तों इसको भी खोल दें, इसको भी ऐसे खोल दें। दोस्तों दोनों ओपन खोलने के मतलब इसको खोलने के बाद फिर आप इनमें सेम प्रोसेस ऐसे ही कलर इनमें सब में फिल करिए इसको। फिर इसको आप दोनों को बंद कर दीजिए, फिर इसको बंद कर दीजिए, फिर इसको आप चालू कर लीजिए, फिर प्रिंटर चालू करके आप प्रिंट कर सकते हैं, फोटो कॉपी कर सकते हैं, जो करना चाहिए कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही कुछ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।